दोस्तों जेल का नाम सुनते ही बाद दिमाग में अचानक से क्राइम, पुलिस की पिटाई, जली हुई रोटी, कहाल कोठरी वाला कमरा और चारों तरफ लंबी बाउंड्री वाली दीवारें और सलाखें घूमने लगती हैं और हम खौफ से डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे ये कहें कि पहाड़, नदियां, जंगल और आइलैंड जैसी जगहों पर घूमने के अलावा इंडिया की कई ऐसी जेलें भी हैं जहां आप बेफिक्र होकर फैमिली के साथ घूम सकते हैं, बढ़िया होटल टाइप का खाना खा सकते हैं, वहां रेंट देके रह सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं जैसा कि आप दूसरे ट्रिप पर करते हैं, तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा? हैरा शानदार। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे चुनिंदा और दिलचस्प जेलों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप अपनी पहले से की हुई ट्रिप की प्लान्स कैंसिल करके इन जेलों के बारे में घूमने का सोचेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको इन जेल्स की हिस्ट्री से लेकर टूरिस्ट प्लेस तक बनने की कहानी के बारे में बताते हैं। अहिल्याबाई जेल। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अहिल्याबाई जेल, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मौजूद है। और ये जेल इस टाइम भारतीय मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि अहिल्याबाई जेल ने जो कारनामा किया है वो भारतीय जेलों के इतिहास में किसी और ने नहीं किया है। दरअसल यहाँ बंद कैदियों को अलग अलग अपार्टमेंट रहने के लिए मिले हैं जो कि दो कमरों के बने हैं। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि जेल मैनुअल के हिसाब से ये सभी कैदी इन अपार्टमेंट में अकेले नहीं बल्कि पत्नी, बच्चों समेत पूरी फैमिली के साथ रह सकते हैं, जो कि हमें ऐसा दूसरी जेलों में देखने को नहीं मिलता है। यही नहीं, इसके अलावा कैदियों को जेल के बाहर जाकर घूमने फिरने और काम करने की भी आज़ादी मिली हुई है। वो सुबह 8 बजे से बाहर जाकर शाम 6 बजे तक काम करके वापस आ सकते हैं। और इस बात की पुष्टि जेल के सुपरिंटेंडेंट आदिति चतुर्वेदी भी कर चुकी है। और इसी बात के चलते सभी क्रिमिनल्स की पहली पसंद इंदौर की अहिल्याबाई जेल बना हुआ है। सभी अपराधी चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर इसी जेल में कैसे भी करके हो जाए। जेल में रह रहे भूपेन सिंह का नाम एक क्रिमिनल खून के अपराध में पिछले 12 सालों से सलाखों के पीछे था। इस दौरान उसे कई अलग अलग जेलों में भी रखा गया, मगर इंदौर की इस खुली जेल में शिफ्ट होने के बाद उसकी जिंदगी बदल सी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल से रिहा हो गया हूँ और मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा सामान्य हो गई है। इस दौरान मैं बाहर जाकर चाय का ठेला लगाता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ। लेकिन दोस्तों अब ये काम उसे बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहिल्याबाई जेल प्रशासन ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। जेल प्रशासन के मुताबिक अब इस जेल को टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दिया गया है, जहां पर जाकर आप इन कैदियों को सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि उनसे मिलकर बातें कर सकते हैं, बैठकर खाना खा सकते हैं और एक नया सिंपल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेल्युलर जेल। दोस्तों इस जेल के बारे में कौन नहीं जानता। ये जेल इतना वर्ल्ड फेमस है कि इसे लोग काला पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं। और ये जेल दक्षिण अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर स्थित है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सेल्युलर जेल की बात कर रहे हैं। और ये वही जेल है जिसका इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाया था। जब भी कोई आजादी को लेकर भारत में आंदोलन होता तो अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर भारत से दूर शिप के जरिए दक्षिण अंडमान द्वीप पर ले जाते थे। इसके बाद वो सभी सेनानियों को बहुत कड़ी यातनाएं देते थे, जिसके कारण कई सेनानी तो हफ्ते भर के अंदर ही दम तोड़ देते थे। शायद इसीलिए इस जेल को लोग काला पानी के नाम से जानने लगे। भारत की इस जेल का इतिहास इतना पुराना है कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध की गतिविधियों को भी बहुत करीब से देखा था। वॉर के समय साल 1942 में जापानीज ने द्वीपों पर अचानक से आक्रमण कर दिया था और इसके बाद सारे ब्रिटिश लोगों को उनके बनाए हुए जेल में ही कैद कर लिया गया था। और फिर 3 साल बाद समय आया साल 1945 का और अंग्रेजों ने एक बार फिर इसे अपने कब्जे में ले लिया। अब पर्यटक की नज़र से देखा जाए तो लोग इसी कहानी और इतिहास को करीब से समझने के लिए यहाँ जाते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनते और देखते हैं। साथ में यहाँ पर पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर साउंड एंड लाइट शो की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे टूरिस्ट काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं। अब अगर आपका मन इतना सब कुछ जानने के बाद सेल्युलर जेल देखने का कर रहा है, तब आप सबसे पहले ये बात जान लें कि ये जेल सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर हर दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यरवडा जेल, महाराष्ट्र। इस जेल को भारत के सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले जेलों में गिना जाता है और ये महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा केंद्रीय जेल है। और अब अगर इस जेल की हिस्ट्री की बात करें तो इसे अंग्रेजों द्वारा साल 1871 में बनवाया गया था। ये वही जेल है जिसमें महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैद किया गया था। शायद इसलिए आज भी इस जेल में बंद कैदियों को स्पेशल रूप से गांधीवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाता है। और दोस्तों इस जेल के अंदर एक कपड़ा मिल और एक रेडियो स्टेशन भी है जो पूरी तरह से यरवडा जेल के कैदियों द्वारा चलाया जाता है। साथ में यहाँ कैदियों को एक खुली जगह भी दी गई है जहाँ ये सारे कैदी एक साथ मिलकर
फल और सब्जियां उगाते हैं। अब लोगों को यही सब दिखाने के लिए यरवड़ा जेल प्रशासन ने जेल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। हिजली जेल। वेस्ट बंगाल में मौजूद हिजली जेल को साल 1930 ईस्वी में हिजली डिटेंशन कैंप के तौर पर तैयार किया गया। इस जेल का इतिहास उतना ही पुराना है दोस्तों जितना कि भारत की आजादी का, और शायद इसीलिए इस जेल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि इस जेल का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को यात्रा देने के लिए किया गया था। इस जेल के अंदर 1931 में हुआ हिजली फायरिंग कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जेल के अंदर पुलिस ने निहत्ते कैदियों पर गोलियों की बारिश कर दी जिसमें कईयों की जान चली गई। 1951 में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर देश की पहली IIT खड़गपुर की नींव पड़ी, जिसके बाद फॉर्मर डिटेंशन कैंप अब नेहरू म्यूजियम में बदल दिया गया। और अब आप यहाँ जाकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास को भी नजदीकी से महसूस कर जान सकते हैं। तिहाड़ जेल, दिल्ली। तो दोस्तों हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खूंखार और कुख्यात अपराधियों को तिहाड़ जेल की चार दीवारी के भीतर कड़ी सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है, और जेल पूरे 200 एकड़ में फैला हुआ है। शायद इसीलिए इसको एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और अब इस जेल कॉम्प्लेक्स को लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसका नाम फील लाइक जेल है, वैसे हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये परियोजना बहुत ही जल्द दिल्ली पर्यटन का हिस्सा होगी और बुकिंग दिल्ली पर्यटन की ऑफिशियल वेबसाइट से की जा सकेगी। इसके बाद लोगों को एक काल कोठरी में बंद होने का अवसर मिलेगा, साथ ही आपको फर्श पर भी सोना पड़ सकता है। यही नहीं, आपको तिहाड़ जेल का एक सेट कपड़ा भी दिया जाएगा जैसा कि हर कैदी को मिलता है। इसके बाद आपको खाना पकाना, सफाई करना, गेहूं पीसने जैसे कामों को भी दिया जा सकता है। हल्द्वानी जेल। हल्द्वानी की इस जेल को साल 1903 में बनाया गया था और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस जेल की खासियत यह है कि यहाँ पर 6 स्टाफ क्वार्टर और कई पुराने शस्त्रागार बनाए गए जो काफी लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं लिए जा रहे। अब इन्हीं शस्त्रागार को दिखाने के लिए हल्द्वानी जेल प्रशासन ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए लोगों के लिए जेल के दरवाजे खोल दिए। अब इनमें गौर करने वाली बात यह है कि महज 500 रुपये देकर आप एक दिन के लिए जेल में कमरा बुक करवा सकते हैं और जेल का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हल्द्वानी जेल देश की सबसे पहली ऐसी जेल बन गई है जो एक दिन के लिए कमरा किराए पर भी दे रही है। तो क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाइपर आइलैंड। भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में इस जेल का भी सेक्युलर जेल की तरफ बहुत बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि द गैलोस ऑफ वाइपर आइलैंड जेल को सेल्युलर जेल से बहुत पहले बनाया गया था, और अगर कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलता था तो उसे इसी जेल में लाकर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। अब ये जगह टूरिस्ट प्लेस बन गई है जिसके चलते लोगों का जमावड़ा भी खूब देखने को मिलता है यहाँ। संगारेड्डी जेल, तेलंगाना। साउथ इंडिया के लोग इस वीडियो को अभी तक देखने के बाद यही सोच रहे होंगे कि काश हमारे आसपास भी कोई ऐसा जेल होता तो हम भी एक बार जेल की सैर कराते। तो साउथ इंडिया में रहने वाले हमारे दोस्तों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल तेलंगाना के संगारेड्डी जेल ने आप लोगों के लिए फील द जेल पहल के तहत 24 घंटों के लिए दरवाजे खोल दिए। आप जाइए और फील द जेल का लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों ये थी इंडिया की कुछ ऐसी यूनिक जेलें जहां आप जाकर घूम फिर सकते हैं, वहां आसानी से रह सकते हैं, क्रिमिनल्स और अपने फैमिलीज दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से इनमें से कौन सा जेल आपको पसंद आएगा और किस जेल को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेंगे जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।